अब बात करते हैं जबलपुर की, जहां चरित्र संदेह एक बार फिर हत्या का कारण बना है। घटना गोरा बाजार थाना की अनुराधा कॉलोनी कजरवारा की है, जहां पर ससुराल आए पति ने अपनी पत्नी की लोहे की रॉड मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो पाता कि स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक मृतिका का नाम रूबी पारस है, जिसका की संगम पारस से विवाह हुआ था। गोरा बाजार थाना पुलिस के मुताबिक 35 वर्षीय संगम कटंगा टीवी टावर जबलपुर का रहने वाला है। उसका विवाह रूबी पारस उम्र 34 वर्ष से हुआ था। दोनों के ही दो बेटे हैं, जिनका नाम नैतिक और अंश है। कुछ दिन पहले संगम की पत्नी रूबी नाराज होकर कजरवारा स्थित अनुराधा कॉलोनी मायके आ गई थी। पत्नी से मिलने संगम गुरुवार की शाम कजरवारा पहुंचा था। दोनों ही बंद कमरे में थे, इसी दौरान उनका विवाद हुआ तो आरोपी संगम ने लोहे की रॉड से पत्नी पर हमला कर दिया, जिसके चलते मौके पर ही पत्नी की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक आरोपी संगम पारस पत्नी रूबी पारस के चरित्र पर संदेह करता था, जिसके चलते कई बार उनका विवाद भी हुआ। कुछ दिन पहले नाराज होकर रूबी अपने मायके कजरवारा अनुराधा कॉलोनी आ गई थी। रूबी के दो बेटे भी साथ में हैं। संगम पारस अपनी पत्नी से मिलने गुरुवार को कजरवारा पहुंचा था और बात करने के लिए उसे कमरे में ले गया। मृतका के परिजन और स्थानीय लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। गोरा बाजार थाना पुलिस को भी वारदात की सूचना मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति संगम पारस को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने रूबी के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर करते हुए घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है।